पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का रविवार को निधन हो गया। संयुक्त अरब अमीरात के अमेरिकन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मुशर्रफ अमाइलॉयडोसिस नाम की एक बीमारी से पीड़ित थे। परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। परवेज मुशर्रफ का सैन्य कमांडर और आर्मी चीफ से लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनने तक का सफर काफी रोचक रहा। तो आइए जानते हैं कि किस तरह मुशर्रफ ने पाकिस्तान को सालों तक अपने इशारों पर चलाया। दिल्ली के दरियागंज में जन्मे मुशर्रफ 1961 में पाकिस्तानी सेना में शामिल हुए। 1965 में उन्होंने अपने जीवन का पहला युद्ध भारत के खिलाफ लड़ा और इसके लिए उन्हें वीरता पुरस्कार भी दिया गया। 1971 में भारत के साथ दूसरे युद्ध में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा था। अक्टूबर 1998 में मुशर्रफ को जनरल का ओहदा मिला और वो सैन्य प्रमुख बन गए। 1999 में उन्होंने बिना खून बहाए तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पद से हटाकर सत्ता हथिया ली। 2001 में सैन्य प्रमुख रहते मुशर्रफ ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। 2002 में विवादास्पद जनमत संग्रह के बाद मुशर्रफ 5 साल के लिए राष्ट्रपति बने। हालांकि आलोचकों का कहना था कि चुनावों में धांधली कर वो जीते थे। मुशर्रफ को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का भरपूर समर्थन मिला। 6 अक्टूबर 2007 को मुशर्रफ एक बार फिर राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन इस बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को चर्चा की और 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफ ने पाकिस्तान में आपातकाल लागू कर दिया। 24 नवंबर को पाकिस्तान चुनाव आयोग ने मुशर्रफ के राष्ट्रपति के तौर पर पुनः निर्वाचित होने की पुष्टि की और जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक वर्दी त्याग दी और पाकिस्तान के असैनिक राष्ट्रपति के तौर पर पद संभाला। 7 अगस्त 2008 के दिन पाकिस्तान की नई गठबंधन सरकार ने परवेज मुशर्रफ पर महाभियोग चलाने का फैसला किया। ठीक उनके 65वें जन्मदिन 11 अगस्त 2008 पर संसद ने उन पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू कर दी। पंजाब बलूचिस्तान सहित 4 प्रांतीय सांसदों ने बहुमत से ये प्रस्ताव पारित किया कि या तो मुशर्रफ जाएं या फिर महाभियोग का सामना करें। परवेज मुशर्रफ पर इस्तीफा देने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। 18 अगस्त 2008 को मुशर्रफ ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। 6 अगस्त को मुशर्रफ ने अपने खिलाफ आरोपों को बेबुनियाद बताया और पाकिस्तान छोड़कर ब्रिटेन चले गए। 23 जनवरी 2012 पाकिस्तान की संसद में एक संकल्प पारित किया गया जिसमें मुशर्रफ को पाकिस्तान लौटते ही तुरंत गिरफ्तार करने का निर्णय लिया गया। 24 मार्च 2013 मुशर्रफ चुनाव के लिए पाकिस्तान लौटे। 8 अप्रैल को देशद्रोह मामले में मुशर्रफ को सुप्रीम कोर्ट का समन जारी किया गया। 2 जनवरी 2014 को मुशर्रफ बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए। 16 मार्च 2016 को मुशर्रफ को विदेश में इलाज कराने की अनुमति मिली। 11 मई को विशेष अदालत ने मुशर्रफ को देशद्रोह मामले में फरार घोषित कर दिया। 19 नवंबर को विशेष अदालत ने देशद्रोह मामले में अपनी कार्रवाई समाप्त की और कहा कि वो 28 नवंबर को फैसला सुनाएगा। 23 नवंबर को मुशर्रफ ने लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। 17 दिसंबर 2019 को विशेष अदालत ने मुशर्रफ को मौत की सजा सुना दी। देश में इमरजेंसी लगाने और दिसंबर 2007 के मध्य तक संविधान को निलंबित करने के जुर्म में परवेज मुशर्रफ पर दिसंबर 2013 में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। मुशर्रफ को 31 मार्च 2014 को दोषी ठहराया गया। मार्च 2016 से वो दुबई में रह रहे थे और आखिरकार इस रविवार को उनकी मौत हो गई।